तो अभी मैं इस समय हूँ आयनगर के एक गांव में जो कि दिल्ली में पड़ता है, साउथ दिल्ली में। और भाई यहाँ पर पुलिस वाले लोकल में हर एक इंसान को रोक रहे हैं, यानी कि जो भी बंदा बाइक से अपने घर से निकला है बाहर कुछ सामान लेने के लिए या कुछ भी राशन वगैरह लेने के लिए, वहाँ पर पुलिस वाले हर एक इंसान को रोक के परेशान कर रहे हैं और उनसे उनके बाइक की डॉक्यूमेंट वगैरह मांग रहे हैं और डिटेल्स पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ रहते हो, अपने डिटेल दो। और सामने वाला बंदा अपनी RC, ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीज़ें दिखाने के बावजूद भी पुलिस वाले उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी बाइक ले ले रहे हैं और उनका एड्रेस वगैरह लेके उनसे बोल रहे हैं कि आप थाने में आइए। तो गाइस ये देखो, ये सामने खड़े हैं सारे पुलिस वाले, देख रहे हो, ये SHO भी है इस इनमें से। और यहाँ पर ये लोगों को परेशान किया जा रहा है। और भाई जहाँ पर ये पीछे अर्जनगढ़ मेट्रो है, यहाँ पर अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन पड़ता है आयनगर का, यहाँ पर यहाँ पर जितने भी ट्रैफिक लगी है यहाँ पर भाई कोई भी पुलिस वाला नहीं खड़ा है यहाँ पर। और इन ये पुलिस वाले इनकी बाइक ले जाकर थाने में ले जा रहे हैं और थाने में ले जा रहे हैं बिना हेलमेट के, खुद तो भाई बिना हेलमेट के जा रहे हैं और यहाँ पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है, आम जनता जो है उनको किस तरीके से ये लोग परेशान कर रहे हैं। इतने सारे पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ पर और हर एक बंदे को रोक रहे हैं। ये देखो कैसे भाई धक्का दे रहा है इसको, ये देख रहे हो आप भाई, ये चल रही है भाई, वो भी लोकल में। भाई ये है आयनगर गांव जो कि साउथ दिल्ली में पड़ता है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया। और इस तरीके से यहाँ पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और देखो ये लोग इनकी बाइक ले जा रहे हैं और सिर्फ रोकने का इनका ये कारण है कि मैं बता देता हूँ क्या कारण है रोकने का, कि आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप बिना हेलमेट के कैसे चल रहे हो। तो भाई ये पुलिस स्टेशन बिना हेलमेट के कैसे लेके जा रहे हैं मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर SHO की गाड़ी भी खड़ी है, तो ये समस्या है। बाकी आप देखते हैं पीछे आयनगर है, सॉरी पीछे ट्रैफिक जाम इतना हो रखा, वहाँ पर एक भी पुलिस वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आम जनता को प्रॉब्लम ये लोग कर रहे हैं। तो आप लोग नीचे भाई कमेंट करें कि भाई इन चीज़ों पे क्या किया जाए और कैसे इसका समाधान लेकर आए, मुझे बताओ कि भाई पुलिस वाले हमारी क्या मतलब सहायता के लिए है या फिर भाई हमें परेशान करने के लिए, आप खुद बताओ क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, कुछ नहीं कर सकते। और जो भाई आम जनता जितने बंदे रुक रहे हैं वो भी क्या ही बोलेंगे, क्योंकि जब आपके सामने एक साथ 12-13 पुलिस वाले आ जाते हैं तो फिर आप क्या ही बोलोगे, मतलब आपके समय कुछ समझ नहीं आता कि मतलब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और ये अभी भी यहाँ पर खड़े हैं और हर एक बंदे को रोक रहे हैं सामने खड़े होके। और ये जो चेकिंग कर रहे हैं ना भाई, ये रात को 8:30 बजे चेकिंग कर रहे हैं, भाई कौन सी चेकिंग की टाइमिंग होती है ये। चलो कोई बात नहीं यार, अब ये जो कर रहे हो करने हैं तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो कर दिया ना उन्होंने, तो फिर कोई बात नहीं यार। आपको बस ये मैं एक अवेयरनेस वीडियो थी आपको दिखाने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके ज़रूर जाना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलता हूँ।